काय झालं मां? बेटा कामाक्षी, तूने भी कुछ अजीब सी आवाजें सुनी क्या? हाँ, आवाज यहीं से आ रही थी। मैंने तो कुछ नहीं सुना, हम तो सो रहे थे। ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम जाकर सो जाओ। बर... जा। कौन छे? कौन बेसुरा गा रहा है? कौन हसे चित्या? जिसके अंदर डर होता है ना, वो अपनी परछाई से भी डर जाता है। मैं भी अपनी परछाई देखकर डर गई। ये सब तो मेरे मन का भ्रम था। मैं भी क्या क्या सोच रही थी, ये भूत भूत कुछ नहीं होता। डरना आ गई तुम्हारी चीचे। शुभ यहाँ क्या कर रही है? शुभ, शुभ, शुभ क्या हुआ? क्या हुआ बोलना? बोलना! इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है तू? दीदी, मैं तो अंदर सो रही थी दीदी। मैंने अजीब से चीखने की आवाज सुनी, इसलिए मैं देखने बाहर आई दीदी। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। हाँ, बढ़िया ही झांसी की रानी। मैंने भी किसी के गाने की आवाज सुनी। कुत्ते या बिल्ली रो रहे होंगे, उसके लिए बाहर भटकने की क्या जरूरत है? तुझे अगर इस पोज में किसी भूत ने देख लिया तो उसे भी हार्ट अटैक आ जाएगा। जा, जाके चद्दर ओढ़ के सो जा। नहीं दीदी, है? वो जरूर कोई बुरी आत्मा थी। अरे इतना दिमाग काम में लगाया कर। अरे कोई आत्मा आत्मा नहीं है, चुपचाप जाके सो जा। आएगी तो मुझे देख कर वो भी डर जाएगी। टेंशन में लग रही थी, इसलिए मैं आपके पीछे आपको देखने आ गई। पर आप तो देवर जी से भी ज्यादा डरपोक निकली और मुझे भी डरा दिया। जूता खाएगी मेरा, उठा मुझे। हाँ उठाती हूँ, आइए उठिए उठिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। अरे पैर क्या पकड़ रही है? हाथ पकड़, हाथ। हाँ हाथ दीजिए, आइए। मर गई। आप इतना क्यों डर गई थी? अरे ये भूत नहीं है ना अपनी, खुद भी डरी और मुझे भी डरा रही है। ये मोटी बोल रही है इसने भूत देखा। भूत चिल्ला मत, राघव ने सुन लिया था, अभी दौड़ता आएगा। देवर जी, आप गलत पेड़ पे चढ़ गए हो। पेड़ से फर्क नहीं पड़ता भाभी, बस भूत से बचना चाहिए। आपके भैया देखेंगे तो मेरी चटनी बना देंगे। सॉरी भाभी, भाभी सॉरी। मैं नीचे बैठी, पैर नीचे रख, नीचे रख पैर, बोला ना। देवर जी, आप उस पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ते, वो मजबूत है। पेड़ रुक जा।
मासी कैच कैच ये भी ब्लू मैं भी ब्लू कम ऑन थ्रो एकदम मैचिंग कपड़ा जे मेड फॉर ईच अदर इस तरह क्या घूर रहे हो तुम्हारा ये ठंडा ठंडा कूल कूल लुक बहुत पसंद आया ए ए, ए बच्चों यहाँ पर आओ क्या हुआ चाचू तुम्हारी मम्मी नाश्ते के लिए बुला रही है जाओ चाचू चाचू मैं बच्चे प्रिया बच्चों के साथ खेलने के लिए ये ड्रेस सुवाच्य मैं एक मॉडल हूँ सब कुछ मॉडर्न ड्रेस में करूंगी और यही मेरा स्टाइल है और मैं हूँ कॉमन मैन सब कुछ कॉमन मैन की तरह करना मेरा स्टाइल है शट अप कह रही हो इंग्लिश में बात मत करो मुझे पसंद नहीं है क्यों मेरी इंग्लिश कमजोर है लड़की हंस रही है मतलब फंस रही है अपने दिल की बात कह दे तुम हंसते हुए कितनी खूबसूरत लगती हो ओह शर्माते हुए तो कमाल लगती हो बस करो ऐसे मुड़ती हो तब तो टनटनाटन लगती हो जाओ भाभी अता काय झाला रे कुछ बात करनी है किस बारे में थोड़ुक अर्जेंट मैटर छे मुझसे नहीं हुआ आपसे जरूर होगा क्या आपसे नहीं होगा जो मुझसे जो मुझसे नहीं हुआ वो आपसे होगा जरा खुल के बताइए भाभी देवर जी क्या कर रहे हैं आपकी बहन का मेरी बहन का क्या आपकी बहन से बोलिए ना तुम्हारी बेना ने आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर लाइन मारने की उसे आई लव यू बोला कि नहीं भाभी आपके चरण कहाँ है भाभी भाभी ने देवर ने बच्चे सुन दियो बने छे अगांडा ने तुरला गुरु बने छे मैं तो इन्हें प्यार की टिप्स दे रही थी इनकी और मेरी बहन की जोड़ी खूब जमेगी समझी चोड़ी वोड़ी तो ठीक है लेकिन इसका कलर और उसका कलर साथ में मिल जाएंगे तो बच्चे कौन से कलर के पैदा होंगे मेरी माँ हो ना क्या मेरी असली माँ हो ना है ना अरे देख क्या मेरी गलती है तुम्हारे पति काले थे मेरी गलती है मैंने जन्म दिया ना मुझे राघव ना का देवर जी क्या करूं भाभी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर कोई कलर पे कमेंट करे तो आग लगती है आप तो प्यार की आग में जल रहे हो पर क्या ये आग दोनों तरफ लगी है भाभी वो छुट्टियाँ मनाने हमारे घर पर ही क्यों आई है हम दोनों की आँखें मिल चुकी है दिल मिल चुके हैं बस इकरार करना बाकी है भाभी और उसके लिए मेरे पास एक सॉलिड आइडिया गुड मॉर्निंग मैं अपनी छुट्टियां तुम्हारे साथ बिताने आई और मुझे छोड़कर तुम यहाँ दूसरी लड़कियों के साथ गरबा खेल रहे हो गरबा नहीं डांस कर रहा था गरबा भी एक तरह का डांस है झापड़ क्यों मारा था सॉरी वैसे सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा आई लव यू बेटा किसका है ध्यान कहाँ रहता है चटनी में नमक ही नहीं है यार डर के मारे मेरा बुरा हाल है और आप सपने में चटनी चाट रहे हो उठिए ना बात तो सुनिए केम परेशान करे छे वो जो घोड़ा है ना वो अपने आप चल रहा है घोड़ा खरीदा मुझे बताया नहीं अरे वो असली घोड़ा नहीं लकड़ी का घोड़ा चल मेरे घोड़े टिक 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 बेकार की बातें छोड़ो और आप मेरे साथ चलो चलो ना अच्छा चलता हूं मैं आपको दिखाती हूं कहीं आपको लगी तो नहीं ना मुझे माफ कर दो माफ कर दो झूठ हुआ तो तुम्हें घोड़ी बनाऊंगा पता है चलिए चलिए मैं दिखाती हूँ हे भगवान रक्षा करना देखा देखा मैंने कहा था ना अपने आप हिल रहा जरूर कोई गड़बड़ है वरना ऐसा नहीं होता हाँ छोड़ो आप कहाँ जा रहे हैं मुझे अकेला मत छोड़िए मतलब भी बढ़ते ये तो रुक गया
कहानी खत्म। मैं भी कितनी पगली हूँ, ये तो हवा से हिल रहा था। लकड़ी का घोड़ा। हाँ पता है। हवा से हिल रहा था। समझ गई मैं। तो फिर मेरी नींद क्यों बिगाड़ी? मुझे माफ। आधी रात को दिमाग की चटनी बना दी तुमने। गलती हो गई। चुप कर, अगर फिर से मुझे उठाया ना तो तेरी चटनी बना दूंगा, समझी? मैं जा रहा हूँ, सोने उठाना मत। सबके सब अनाप शनाप कहानियां बनाते रहते हैं। नींद पूरी नहीं हुई ना, इसलिए मेरा दिमाग कुछ भी सोचने लगा है, नहीं तो मैं भूत भूत। क्या है? आप मुझे अकेला छोड़ के आ गए थे। चल, मुझे सुबह 5 बजे की बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट पकड़नी है और तुम घोड़े के हिलने की टेंशन दे रही हो। आपने बताया नहीं बाहर जाने वाले? अब पता चल गया ना, सो जाओ। ठीक है।